फिरोजाबाद के लाजपत कुंज मोहल्ले में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत जलेसा रोड स्थित काली माँ के मंदिर से हुई, जो कि मोहल्लागंज होते हुए लाजपत कुंज पहुंची। वहीं कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। यह कलश यात्रा श्रीमद भागवत कथा को लेकर निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत जलेसा रोड स्थित माता रानी काली के मंदिर से की गई, जो कि मोहल्लागंज होती हुई भागवत स्थल लाजपत कुंज पहुंची। यह कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इस कलश यात्रा में महिला अपने सर पर कलश लेकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजनों पर झूम रही थी और उनकी भक्ति में लीन थी। कलश यात्रा के बाद कथा की शुरुआत भी की गई। फिरोजाबाद से दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। कलश यात्रा निकली है, कहाँ से कहाँ तक निकली और किसकी पालकी निकली है? ये आज जो पालकी निकली है ये लाजपत कुंज में, वहाँ पे 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक भागवत का प्रोग्राम चलेगा। और जो आज जो इन लोगों ने स्टार्ट किया है वो काली मंदिर जलेसर रोड से स्टार्ट करके ये गंज का शिवाजी मार्ग होते हुए और गंज होते हुए सदर बाजार होते हुए ये लाजपत कुंज पहुँचेगी। और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूँ कि भारी संख्या में वहाँ पहुँच के इस भागवत का सुख प्राप्त करें और भक्ति भाव से इसे सुनकर भाव विभोर हो जाए।